केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया था। इस पर अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग शुरू से ही पूरे देश में इसको कराने की मांग करते रहे हैं। वह खुद केंद्र का हिस्सा हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो वो खुद नहीं कर रहे हैं। उनके करनी और कथनी में बहुत फर्क है। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है सर। हम लोग तो पूरे शुरू से मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे, तो कथनी या करनी में तो भारी अंतर है इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गन्ना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल लाइन में भी लोग नहीं डाल। तो ये होना चाहिए था। आज जन्माष्टमी है सर, क्या कहेंगे? जन्माष्टमी के अवसर पर सभी देश और बिहार वासियों को हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और आज सब लोग, आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आज धूमधाम से पूरे देश में जो है ये जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और सब लोगों को इसके लिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया था। इस पर अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग शुरू से ही पूरे देश में इसको कराने की मांग करते रहे हैं। वह खुद केंद्र का हिस्सा हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो वो खुद नहीं कर रहे हैं। उनके करनी और कथनी में बहुत फर्क है। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है सर। हम लोग तो पूरे शुरू से मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे, तो कथनी या करनी में तो भारी अंतर है इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गन्ना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल लाइन में भी लोग नहीं डाल। तो ये होना चाहिए था। आज जन्माष्टमी है सर, क्या कहेंगे? जन्माष्टमी के अवसर पर सभी देश और बिहार वासियों को हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और आज सब लोग, आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आज धूमधाम से पूरे देश में जो है ये जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और सब लोगों को इसके लिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया था। इस पर अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग शुरू से ही पूरे देश में इसको कराने की मांग करते रहे हैं। वह खुद केंद्र का हिस्सा हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो वो खुद नहीं कर रहे हैं। उनके करनी और कथनी में बहुत फर्क है। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है सर। हम लोग तो पूरे शुरू से मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे, तो कथनी या करनी में तो भारी अंतर है इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गन्ना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल लाइन में भी लोग नहीं डाल। तो ये होना चाहिए था। आज जन्माष्टमी है सर, क्या कहेंगे? जन्माष्टमी के अवसर पर सभी देश और बिहार वासियों को हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और आज सब लोग, आप लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आज धूमधाम से पूरे देश में जो है ये जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और सब लोगों को इसके लिए।